जमशेदपुर के सुनहरी की रहने वाली दिव्यांग गंगाबाई ने साल 2011 में देश के लिए एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीते थे। एथेंस स्पेशल ओलंपिक में गंगाबाई ने विदेशी धरती पर जाकर भारतीय तिरंगे को लहराया था, लेकिन उसी गंगाबाई का परिवार आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। गंगाबाई की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको कागज के टोंगे बनाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। सरकार से तो इतना ही मने उम्मीद रखते हैं कि उनको कहीं नौकरी वगैरह मिल जाए और रहन सहन के लिए मकान भी मिल जाए। और जब तक तो हम मन रहेंगे तब तक के कुछ न कुछ हम उनको सहायता करेंगे, बाकी मेरे जाने के बाद में भी इनका देखभाल सरकार करेगा, ये उम्मीद रख रहे हैं। बेटी ठोंगा वगैरह बना रही है, इसी में मने इधर उधर करके चला रहे हैं खर्चा पानी अपना, और कोई सहारा तो है नहीं। बहुत खराब स्थिति, क्या करेगा। मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, तो नौकरी वोकरी उसका दे देने से अच्छा होगा सरकार बाबू। गंगाबाई की मदद करने के लिए एक जीवन सामाजिक संस्था आगे आई है, जिसने टोंगा बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया है। जीवन संस्था के अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि ऐसे कई दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो आज भुखमरी और बदहाली की मार झेल रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार केंद्र और राज्य सरकार से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार अपने आंख कान बंद किए बैठी है। गंगाबाई की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने जैसा सहारा देख करके इनको सहारा दिया, और क्रमशः हम लोग इसकी पेमेंट बढ़ाते जा रहे हैं ताकि बहुत पैसे देने से फिर बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, तो धीरे 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 इनके काम की काबिलियत के हिसाब से हम लोग पैसे बढ़ाते हैं, और एक समय आएगा कि ये खुद दूसरों को इस काम में ले सकेंगे, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं ये। गौर करने वाली बात तो ये है कि एक तरफ क्रिकेट और अन्य खेलों के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में खिलाड़ियों की ये दयनीय स्थिति सरकार के दोहरे चरित्र को बयां करने के लिए काफी है।